तो गाइस फाइनली आईपीएल 2022 का क्वालिफायर वन खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच 24 मई को शाम को 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि इस मैच को जीतकर सीधा फाइनल में जगह बनाई जाए और जो टीम हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा एलिमिनेटर में। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम दोनों टीमों का लाइनअप देखने वाले इस मैच के लिए। गुजरात की टीम जो है पिछला मुकाबला हार कर आ रही, तो वही राजस्थान रॉयल की टीम जो है पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो आरआर की टीम के पास अच्छा खासा मोमेंटम है। तो आज की इस वीडियो में हम हेड टू हेड की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, ओवरऑल हम प्रेडिक्शन की भी बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम प्लेइंग 11 के साथ। तो राजस्थान की तरफ से ओपन करने आने वाले हैं यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर और गुजरात की तरफ से रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल। तो यहां पर राजस्थान के ओपनर्स ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में यहां पर 130 रन बनाए हैं और गुजरात के ओपनर्स ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में यहां पर 185 रन बनाए हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है राजस्थान की टीम में पिछले 7 मैचेस से जॉस बटलर का बल्ला चल नहीं रहा है, बहुत ही मतलब एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है। यशस्वी जायसवाल लगातार खेल रहे हैं और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। रिद्धिमान साहा लगातार चल रहे और शुभमन गिल का भी एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आ रहा है। तो अगर हम कंपैरेटिवली ओपनर्स का कंपैरिजन करें तो यहां पर 50 रन आगे है, मतलब गुजरात की टीम ज्यादा थोड़ी सी आगे लग रही है। आपके हिसाब से इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, कौन क्वालिफायर वन में सबसे ज्यादा रन बना सकता है, आप भी अपनी राय जो है कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से भरते जाए। ओपनर्स के बाद अब मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की तरफ से नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर देवदत्त पडिक्कल और नंबर 5 पर रवि अश्विन। वही हम गुजरात की बात करें तो नंबर 3 पर मैथ्यू वेड, नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या और नंबर 5 पर डेविड मिलर। राजस्थान के मिडिल ऑर्डर ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में 252 रन बनाया है और गुजरात के मिडिल ऑर्डर ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में 201 रन बनाया है। तो यहां पर राजस्थान की टीम आगे लग रही है क्योंकि राजस्थान रॉयल की तरफ से जो है लगातार मिडिल ऑर्डर चल रहा है। संजू सैमसन का बल्ला भी बहुत अच्छा बोल रहा है, हालांकि पिछले मैच में नहीं चले थे लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा खेल रहे। देवदत्त पडिक्कल भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, एज अ मिडिल ऑर्डर अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और रविचंद्रन अश्विन का तो आपने परफॉर्मेंस पिछले मैच में देख ही लिया। वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम यहां पर मैथ्यू वेड का मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, अगर इनका बल्ला चल गया तो बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर है। और हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जो है एज इट इज रहने वाले। तो अभी कंपैरेटिवली राजस्थान की टीम आगे मिडिल ऑर्डर में। तो गाइस मिडिल ऑर्डर के बाद अब लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की तरफ से नंबर 6 पर सिमरन हेटमायर, नंबर 7 पर रियान पराग और नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट। वही हम गुजरात की बात करें तो नंबर 6 पर राहुल तेवटिया, नंबर 7 पर राशिद खान और नंबर 8 पर आर साई किशोर। राजस्थान के लोअर ऑर्डर ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में यहां पर 81 रन बनाया है और गुजरात के लोअर ऑर्डर ने मिलकर 63 रन बनाया है। तो यहां पर राजस्थान की टीम हल्की सी आगे है। सिमरन हेटमायर की अच्छी वापसी हुई है, पिछले मैच में अच्छा खेल रहे थे और रियान पराग भी लगातार एज अ फिनिशर जो है अच्छी भूमिका निभा रहे और ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। वही हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम में राहुल तेवटिया और राशिद खान से बहुत ज्यादा उम्मीद है फिनिशर की, और 63 रन बनाए पिछले 3 मैचेस में और आर साई किशोर जो है गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो यहां पर अभी कंपैरेटिवली जो है मतलब राजस्थान की टीम आगे रन में और विकेट्स के मामले में मतलब दोनों टीमें बराबर लग रही। तो आपके हिसाब से कौन चलेगा, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो गाइस अब दोनों टीमों के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की तरफ से नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 10 पर यूसी चहल और नंबर 11 पर ओबेद मैकॉय। वही हम गुजरात की बात करें तो नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 पर यश दयाल और नंबर 11 पर मोहम्मद शमी। यहां पर राजस्थान के गेंदबाजों ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में 16 विकेट लिए और गुजरात के गेंदबाजों ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में यहां पर 17 विकेट लिए। तो गेंदबाजी के मामले में दोनों टीमें बराबर लग रही, दोनों टीमों की गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी है लेकिन पिछले 3 मैचेस में थोड़े विकेट्स कम आए हैं, मतलब उसकी कारण यह है कि फास्ट बॉलर चल नहीं पा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यूसी चहल का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, पर्पल कैप के अभी करंटली विनर है वो, और ओबेद मैकॉय भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वही हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम में यहां पर राशिद खान का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी जो है एज इट इज रहने वाले और यश दयाल भी मतलब अच्छा खेल रहे हैं। तो गेंदबाजी के मामले में अभी दोनों टीमें बराबर है। इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, कॉमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइस ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राजस्थान की टीम जो है पिछला मुकाबला एक तरफा जीत कर आ रही, तो मेरे हिसाब से सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली, मेरे हिसाब से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और गुजरात की टीम जो है एक दो बदलाव कर सकती है लेकिन मेरे हिसाब से मतलब अच्छी टीम दिख रही है, अनचेंज्ड रहने वाली गुजरात की टीम। सो गाइस ये तो थी मतलब दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते कि भाई साहब कौन इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बना रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच को जीत सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात की टीम इस मैच में वापसी करने वाली है और गुजरात की टीम इस मैच को जीतकर जो है फाइनल में जगह बनाने वाली है।
टॉप रन स्कोरर की बात करें तो मेरे हिसाब से जॉस बटलर जो है सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। हालांकि पिछले 7 मैचेस में बल्ला नहीं चला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब क्वालिफायर वन होने वाला है, नॉकआउट मैच होने वाला है, तो मेरे हिसाब से जॉस बटलर खेल सकते हैं। अच्छा, टॉप विकेट टेकर की बात करें तो राशिद खान सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं इस मैच में। स्पिन फ्रेंडली पिच होने वाली है तो मेरे हिसाब से राशिद खान सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। तो गाइस ये तो था ओवरऑल प्रीव्यू जो कि मैंने आपको करके बता दिया। क्वालिफायर वन कौन जीतेगा, कौन फाइनल में जगह बना रहा है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंचाए।